जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनकी अपनी अलग अलग राय है। चाहे हम बात करेंगे कांग्रेस की या दूसरे राजनीतिक दलों की, तो वो इसके फेवर में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा धारा 370 को हटा लिया गया। और इस सब पर इस समय मैं बात करूँगा नेशनल स्टूडेंट NSUI जो है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मेरे साथ कुंदन जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यूनिवर्सिटी में। धन्यवाद। जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है धारा 370 को लेकर, यहाँ से उसको हटाया गया है, एक लंबे समय से मांग यहाँ पर चली आ रही थी, लेकिन आपकी तरफ से विरोध जो है वो जताया जा रहा है, जिस तरह से आपने यहाँ पर पत्रकार वार्ता भी का आयोजन भी यहाँ पर किया, आपको उससे क्या नुकसान जो है वो नजर आता है? देखिए, मैं नुकसान तो आपको सीधे पॉइंट्स में गिनाऊंगा। नुकसान ये है 370 के हट रहे हैं। आज से पहले हमारी यहाँ पर डिमांड ये रही थी कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। हम लोग ये बात उठाते रहे कि अगर नौकरियाँ निकलती थी कि 70 नौकरियाँ कश्मीर में जा रही हैं, 30 नौकरियाँ जम्मू में आ रही हैं, 60 नौकरियाँ अगर कश्मीर में जा रही हैं तो 40 नौकरियाँ जम्मू में आ रही हैं, इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन होती रही। लेकिन भैया, 370 हटाने के बाद, अब यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, अब तो इस देश में कोई भी बाहर से आकर यहाँ पर नौकरी कर सकता है, तो अब जो जम्मू की रोजगार की बात है वो कहाँ गई? आप कांग्रेस को जम्मू की रोजगार की चिंता है। अभी आपने खुद कहा कि उस समय 40 नौकरियां जम्मू में आती थी, 30 और 70 चली जाती थी कश्मीर में, तो क्या उस समय जो कांग्रेस है वो साथ होकर जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव करती थी? भैया, मैंने कहा ये परसेप्शन थी लोगों की कि इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी पिछले 5 सालों से यहाँ पे कोई कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी। अभी पिछले 5 सालों से यहाँ पे अगर सेंटर में हुकूमत है तो वो भाजपा की हुकूमत है, अगर पिछले यहाँ पे अभी हुकूमत है तो PDP और भाजपा की हुकूमत थी। उसमें आप देखिए जेके बैंक की जो नौकरियाँ लगी उसमें किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया गया। अगर आप जेके बैंक की बात करें तो आज से पहले जेके बैंक में सिर्फ जम्मू कश्मीर का बच्चा आकर यहाँ पे एग्जाम दे सकता था, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इससे पहले JKCET एग्जाम हुआ करता था यहाँ पे, जो स्टेट लेवल का कॉम्पिटेटिव इंजीनियर एग्जाम का, उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर का बच्चा आके एग्जाम दे सकता था, वो वहाँ पे एडमिशन ले सकता था, लेकिन अब तो कोई भी आके यहाँ पे एग्जाम देगा। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश भर में यही चीज़ हो रही है, और वही चीज़ मैं आपको भी बोलूँगा। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस से कुछ ना कुछ खामियाँ रही रही होंगी, तभी वो आज विपक्ष में है। लेकिन भैया, आज 5 साल से ज्यादा मोदी सरकार यहाँ पे है, अब यहाँ पे स्टेट में PDP और BJP की सरकार है। आज भी आप उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, आज उनसे जाके कोई नहीं पूछे, आज उनसे जाके अभी काफी देर तक पीछे चले तो यहाँ पर राज्यपाल शासन था, फिर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन था, जब 370 हटाया गया, अभी भाजपा और PDP की सरकार नहीं। मैं आपसे बताता हूँ ना, जब भाजपा और PDP की सरकार थी, ये वही भाजपा और PDP की सरकार है, जब यहाँ पे एम्स देने की बात हुई तो एम्स कश्मीर में दिया गया। ये जो आज बड़े जम्मू के ठेकेदार बन रहे हैं, एम्स कश्मीर में दिया गया, और उसके बाद जम्मू रोया, जम्मू सड़कों पे उतरा, फिर जाके वो भी अभी ऑन द रिकॉर्ड पता नहीं कि यहाँ पे एम्स मिला या नहीं मिला, वो भी ऑन द रिकॉर्ड पे पेपर्स में यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है, ये वही भाजपा की सरकार है जब पत्थरबाजों को 17,000 से ज्यादा पत्थरबाजों को छोड़ा गया, और वो महबूबा मुफ्ती ने नहीं छोड़ा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, उस टाइम पे राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने छोड़ा। तो ये हमें कम से कम ये भाजपा वाले जो है हमें ना बताएं। और मैंने मीडिया में थोड़े दिन पहले देख रहा था, मैं तो दिल्ली में था, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर, कुछ मीडिया चैनल और वो भाजपा के दफ्तर में जाके वहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस 15 अगस्त में जम्मू में हर पंचायत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। ये बताना क्या चाहते हैं कि इससे पहले क्या हम जम्मू वाले जो क्या वो देशद्रोही थे? उन्होंने जम्मू कश्मीर कहा था, अगर आपने ध्यान, हाँ, तो अगर जम्मू कश्मीर भी कहा था तो इससे पहले किसकी सरकार थी? प्रीवियस सरकार स्टेट की, कांग्रेस की सरकार में क्या वहाँ पर लाल चौक में ध्वज लहराता था? मेरी बात सुनिए ना, उससे पहले हाँ तो रहता था, क्यों नहीं लहराता था? हाँ, और हर एक डिस्ट्रिक्ट हेड अगर 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 भाजपा ने कह दिया, अगर ये भाजपा ने कह दिया कि हम हर एक पंचायत में मैं तो इसका फख्र करता हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं चाहता हूँ। उन्होंने भैया, आप जम्मू कश्मीर नहीं बोला, उन्होंने जम्मू बोला, आप करेक्ट कीजिए, मैंने देखा था उन्होंने जम्मू बोला था, उन्होंने जम्मू कश्मीर नहीं बोला था। ठीक है, उन्होंने जम्मू की बात की थी था, और वो जहाँ से जाके उनके मैं तो चाहता हूँ, और लेकिन मैं चाहूँगा कि वो जहाँ पे भी जाएँ तो फिर वो हर, लेकिन बात ये कि आज इस देश में इस तरीके का माहौल खड़ा कर दिया गया है कि आपको अगर राष्ट्र प्रेमी हो, ठीक है, या आप देशभक्त हो, तो आपको भाजपा से सर्टिफिकेट लेना है। तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैं उनसे सर्टिफिकेट नहीं लूँगा।
हम नहीं, लोगों की बात करें, लोगों से भी हमारी बात हुई, लोग तो खुश हैं कि बाहर की इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर डेवलपमेंट जो भी होगी, रोजगार मिलेगा, तो फिर कामगार्स को क्या दिक्कत? देखिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, अगर 370 हटने से रोजगार आएगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, तो मेरा एक ही प्रश्न है आपसे, आज तक उत्तर प्रदेश में तो 370 रहा नहीं, आज तक झारखंड में तो 370 रहा नहीं, आज तक बिहार में तो 370 रहा नहीं, तो वहां पे तो कोई आज तक डेवलपमेंट नहीं, जबकि झारखंड अगर टेक्निकल पॉइंट से मैं बोलूँ, झारखंड एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे रिसोर्सेज है, जहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है और वहीं पे इंडस्ट्रीज खड़ी हो सकती है, वहां पे तो कोई डेवलपमेंट नहीं रही, तो ये कौन सा तर्क? आप हर बार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और 70 साल यहाँ पर कांग्रेस का भी राज है ना, कांग्रेस ने क्यों नहीं की डेवलपमेंट? क्या 5 सालों में वो डेवलपमेंट सारी अभी हो जाती? कांग्रेस भी तो कर सकती थी ना, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के को किसने रोका? मेरी बात सुनिए ना, तो बिल्कुल किया ना इस देश को, अगर आप बात करें, हाँ मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ मेरे भाई, मैं ऑन द रिकॉर्ड अब आपको प्रश्न दूंगा, लेकिन माइक यहाँ पे रखना था, माइक इधर, ठीक है? अब मैं आपको दे रहा हूँ प्रश्न, दे रहा हूँ, इस देश जब आजाद हुआ था इस देश में सुई भी नहीं बनती थी, ठीक है? इस देश में जब आजाद हुआ था सुई भी नहीं बनती थी, आज इस देश में हवाई जहाज भी बनता है, और ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा कि मेरी घर की रिपोर्ट नहीं है, ये भारतीय सरकार की रिपोर्ट है, कि पिछले साल रिपोर्ट आई कि इस देश में बेरोजगारी की जो दर है उसमें रिकॉर्ड लाई, ये मेरी घर की रिपोर्ट नहीं है, ये उनकी रिपोर्ट है। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इससे पिछला चुनाव लड़ा था आज से 5 साल पहले, वो किस पे लड़ा था आपको याद है? उन्होंने स्मार्ट सिटी पे लड़ा था, उन्होंने करप्शन फ्री से लड़ा था, उन्होंने डेवलपमेंट पे लड़ा था, कहाँ है स्मार्ट सिटी? जम्मू स्मार्ट सिटी बनी, जम्मू को दिया था ना? आप दिक्कत ये आ गई है कि अभी भी आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो आपको वैल्यू पॉइंट मैंने आपको जो रिपोर्ट के तहत बताया। अगर आपने वो देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा गया था कि उन्होंने कह दिया कि हर एक पंचायत में तिरंगा लगाएगा, तो हमने उनसे भी सवाल पूछे, हम आपसे ही सवाल नहीं पूछ रहे, हमने उनसे भी सवाल पूछे। कांग्रेस को ज्यादा दिक्कत क्यों आ रही है 370 के हटने से? क्या कांग्रेस को सवाल सुनेंगे? जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस हमेशा राजनीति करती थी, वो राजनीति रोटियां जो है वो सेकनी बंद हो जाएगी, जिस तरह से यहाँ पर राज रहा कुछ खानदानों का और कांग्रेस उसके साथ भागीदार रही और लोग जो है वो तंग आ चुके हैं। अब कश्मीर घाटी की बात करें खासकर, जहाँ से कांग्रेस जो है वो सियासत करती थी उनके साथ मिलकर, तो क्या यही कारण है कि अब कांग्रेस के नेता और वो उन पार्टियों के नेता जिनका खानदानी राज यहाँ पर आ था वो बोकरा गए हैं और इस तरह के बयान को निकल दे रहे हैं? देखिए ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा, हमारी कांग्रेस की राजनीति हमेशा जम्मू से चलती, हमारे कश्मीर में मुझे नहीं याद है कि 4 से ज्यादा एमएलए कभी, तो जहाँ तो हमारे वहाँ से 15 या 20 एमएलए जीतते हुए कुर्सी पे जो मुख्यमंत्री तो वही होते भैया, फिर वही बात आ गई ना, तो पीडीपी भाजपा ने किसके साथ गठबंधन किया? भाजपा ने किसके साथ गठबंधन था? भाजपा ने कौन सा कर दिया कि उनके तो फर्स्ट टाइम उनको ऐसी मेजोरिटी मिली 25 के 25 एमएलए उनके यहाँ से जीत गए, तो उन्होंने नहीं बनानी थी ना सरकार, वो बाहर है, उन्होंने किसके साथ गठबंधन किया? उन्होंने तो पीडीपी के साथ किया, और आपको बताना चाहूंगा पहले वो एनसी के पीछे भी भागे थे, एनसी वालों ने उनके साथ किया नहीं, बाद में उन्होंने पीडीपी के साथ किया, और ऑन रिकॉर्ड बात है, अमित शाह जी ने अगर पिछले 60 सालों में कहीं सच बोला तो एक ही बार सच बोला है, जब वो यहाँ पे आकर उन्होंने बोला कि हमें 3.5 साल पीडीपी वालों ने काम नहीं करने दिया, तो 3.5 साल किन्नों ने रोक के रखा था उनको, वो एक ही दिन में सरकार छोड़ देते, ये बात ऑन रिकॉर्ड अमित शाह जी ने खुद बोली थी ना कि 3.5 साल तक हमें उन्होंने काम नहीं करने दिया जम्मू के हितों के लिए, तो भैया ऐसी बात नहीं है। अब आपका मैं प्रश्न का लेकिन जवाब दूंगा, आपने बोला कि 370 से हमें तकलीफ क्या, हमें भैया तकलीफ ये है कि अब जब 370 हटते ही, अब यहाँ पर जब नौकरी करने के लिए बाहर से तो कोई भी आएगा ना नौकरी करने, अब जम्मू का युवा कहाँ जाएगा? मैंने आपको जिस तरीके से पहले बताया कि इससे पहले जैसे हमारा एग्जाम होता था, अगर हमारा बच्चा कोई AICT के लिए कंप्लीट नहीं कर पाता था तो JKCET था यहाँ पे, तो JKCET में सिर्फ जम्मू का बच्चा एग्जाम देता था, तो अब वो तो हर एक बच्चा आएगा बाहर से आएगा, तो उस रोजगार की बात करें, जम्मू कश्मीर बैंक की बात करनी है या किसी भी KS की बात करनी है, वो तो पहले से जम्मू कश्मीर या जम्मू का बच्चा देता था, तो उसका क्या है? और दूसरी लैंड बिल की बात मैं अगर आपके साथ, तो ये सिर्फ जम्मू में नहीं है, ये भाजपा से फिर प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं, सेम लॉ उत्तराखंड में है, सेम लॉ हिमाचल में है, सेम लॉ नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स में है, और ये मैं आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बात करके, ना इससे पहले कभी जम्मू के किसी आदमी ने जाके कश्मीर में जमीन खरीदी, ना किसी जम्मू वाले ने जाके रजौरी पूंछ में खरीदी, ठीक है? ये सारा भी अगर बर्डन पड़ेगा तो सिर्फ जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, जम्मू कठुआ सांबा, कोई भी बाहर वाला भी आता आएगा तो यही जमीन खरीदेगा। सुनिए, ये जम्मू कश्मीर
जम्मू केवल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे किसानी भी होती है, आपको पता है? आज तक आपने कभी सुना कि जम्मू में किसी किसान आते मिलते? आज जम्मू केवल एक ऐसी स्टेट थी जिसके एक मिडिल क्लास आदमी भी एक आराम से रॉयल जिंदगी जीता, उसको कोई इबादत स्पेशल स्टेटस था। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज देश में ये माहौल है बिहार आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में, हम जम्मू पर ही रहें तो अच्छा रहेगा, हम कश्मीर पर रहेंगे, अब NSUI जो है उसका अपना क्या रोल रहेगा? देखिए, जिस तरह से आप लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता का आयोजन भी आप कर रहे हैं, अब तो उन्होंने तोड़ दिया है ना सरकार ने, उसको राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद वो वहाँ पर लोकसभा में भी पास हो गया। देखिए, हमारी इस सरकार से यही डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के राज्य को देखते हुए, खासकर जम्मू को देखते हुए, वो कम से कम ये लॉ ज़रूर लाएं कि आने वाले टाइम में जो भी हमारे सरकारी नौकरी निकले उसमें 100% सबसे पहले जम्मू के युवाओं को आगे करें, ताकि उससे हमारे जो युवाओं हैं उनको बाहर दरबदर ना जाना पड़े। और उसके बाद जो हमें जिस तरीके से पहले था कि JKCET का एग्ज़ाम भी जो था वो खाली जम्मू का युवा ही दे सकता था, वो बाहर का भी नहीं दे सकता था, क्योंकि आने वाले टाइम में आज आप कह रहे हैं कि आप जब आज हमको तकलीफ, आज हमको तकलीफ नहीं है, आप जाइए स्टूडेंट्स, आप एक मैंने तकलीफ नहीं बोला, मैंने आपको सवाल ये किया था कि आपको क्या नुकसान है। हाँ, आज ये नुकसान भी युवाओं के बीच में जाइए जिन्होंने अभी जस्ट तैयारी कर रहे थे, कोई KS की तैयारी कर रहा था, कोई किसी JK Bank की तैयारी कर रहा था, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहा था, आज ये उनके सवाल है जो मैं आपके बीच में ला के ला रहे हैं। और हम डेमोक्रेटिक तरीके से जब कॉलेजेस खुलेंगे, जब बिल्कुल होगा पीसफुल तरीके, हम पीसफुल तरीके से युवाओं के बीच में जाएंगे, उनके बीच में सिग्नेचर कंपेन का आयोजन किया जाएगा, और वो सिग्नेचर कंपेन हम लास्ट में मेमोरेंडम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे यहाँ पे उनको जाके सबमिट करेंगे, और उनको बताएंगे कि ये देखिए असली में जम्मू का जो युवा है वो क्या चाहता है, उसे दूध का दूध पानी का पानी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, आप बड़ी की बात अभी कर रहे हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद अपने चुनावी रैली में कहा था, और कांग्रेस उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला के उन्हीं को सपोर्ट कर दिया, तब कांग्रेस की देशभक्ति कहाँ चली जाती? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है, हम आपको बता देते हैं हम ऐसे नारों को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते हैं। कांग्रेस एक देशभक्त पार्टी है, कांग्रेस वो पार्टी है जिनके लीडर्स ने इस देश के लिए जान दी है और देश के लिए छुट्टी दी, ठीक है? तो हम कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम ऐसे नामों का एंडोर्स नहीं करते। ये थे हमारे साथ कुंदन जी, जो कि NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साफ तौर से इनका ये कहना है कि जिस तरह से धारा 370 को जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ से हटाया गया और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और इससे जो जम्मू के युवा हैं उनको नुकसान होगा, और ये चाहते हैं कि जो रोजगार यहाँ पर आएगा, एक जो रिजर्वेशन है वो दी जाए जम्मू के जो युवा हैं उनको तरजीह दी जाए, और साथ ही साथ जिस तरह से जमीनों की बात करें तो जिस तरह से हिमाचल में आर्टिकल 371 है उस तरह का आर्टिकल यहाँ पर भी लाया जाए, ताकि जो जम्मू के लोगों की जमीनें हैं वो यहाँ पर सुरक्षित रहें। रवि शर्मा, जम्मू।